भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए, मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है। आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते हैं। फलाना करेगा फाड़ दे, फलाना तो फाड़ तो फलाना बैठक थोड़ी और वो हमारे से ना घूमा करो सर और कहते हो सर कि ना ना भाई कारा ईश्वर के धरती का पहले नहीं था भाई, ये डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया। इधर लकीर की बात है कि लकीर मेरे पास कोई लकीर नहीं है भाई, लेकिन किसी को गाली देकर घर चलाया भी तो ठीक नहीं है। इसमें कहने की क्या बात है, वो मेरी तारीफ करे ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई। ये उनका विषय है बहु, आई एम नो जर्नेटर, हमारा मेरे कौन पावर नहीं के तहरा लोग बेहद आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हमको। उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ था और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है जो मेरे राज्य। अब हमारे बाबू जी हमारा नाम ना लिए तो हम ना ले हमारी जो भी विधान की तरह बॉडी बना ले, अगर सलमान नहीं बने तो जो भी विधान पे बन जाए कुछ तो बने, तो कोशिश हमारी रहती है। बस आप लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं ये हमें पता नहीं, बट कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज अच्छा लगे। तो हीरोइन का नहीं ही कलाकार। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आपको एक बात बोलना पड़ेगा क्या? नहीं तो काम तो आज चालू हुआ है ना, अभी तो कुछ पर्वत पार किए हैं, अभी तो क्या आसमान बाकी है, अभी तो कुछ परिंदों में उड़ान भरी, अभी तो बात की उड़ान बाकी है। हाँ मैं यूट्यूबरों से परेशान नहीं होता, उनके शब्दों से परेशान होता। देखिए मेरे आप यूट्यूबर हैं, आपको आजादी है, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप अपना यूट्यूब बंद कर दो, मैं आपके शब्दों से परेशान होता हूं। आपका घर चलता है अच्छी बात है, आप घर चलाइए, लेकिन किसी को गाली देकर घर चलाना भी तो ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप किसी से किसी तक कंपेयर करिए, मुझे दिक्कत नहीं, बट मेरा फोटो लगा के बात करो यार, हमसे कंपेयर करोगे तो निश्चित हमको लगेगी, विषय वहां है ही नहीं। मुझे ना किसी कलाकार से कोई दुश्मनी है और मैं सबके लिए खड़ा हुआ हूं, इस इंडस्ट्री में कोई कह दे कि कोई कह दे खड़ा नहीं है। और कोई कोई लोग तो ऐसे हैं कि मेरे मेरे घर पे इमिग्रेशन तक नहीं आते, लेकिन मैं सबके लिए हर जगह जाता हूं, वो मेरा दिल है, विषय आई नहीं। मैं लड़ाई किसी से नहीं करता, मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे साथ अखिलेश कश्यप रहते, मेरे साथ पंकज बिहारी रहते हैं, राजीव शर्मा हो, सोनू पांडे हो, या हमारा भाई संजीव हो, या बंटी हो, या सुनील हो, चाहे एवरीथिंग जितने भी लोग हैं, कृष्णा विभूति से लेकर पवन पांडे तक, अगर मेरे साथ हो रहते, अगर वो कुछ बोलते हैं तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि वो कुछ बोले। मैं अगर वो गलती करते हैं तो मुझे उनको डांटना पड़ेगा कि भाई वो मेरे भाई है, चाहे वो मेरे भाई है, चाहे वो मेरे भाई है, उनको तुम क्यों बोलोगे भाई, आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, तो आप उसको अब मुझे गाली दे और वो उनको गाली दे और मैं उसको सम्मान करूं तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम इससे कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं अपना काम करता हूं और मेरे से ज्यादा मेहनत आगे लोग करें पर संभव है नहीं, क्योंकि देखिए सब कुछ मैं जुबान, देखो भाई जितना मेरा मेहनत बोलता है ना उतना ही मेरी जुबान भी बोलती है, मुझे बोलना आता है, ये नहीं किसी की बुराई नहीं। आप जीनो दे दोगे तो 2 घंटा बोल के दिखा दूंगा, आप रामायण दे दोगे तो 4 घंटे बोल के दिखा दूंगा, महाभारत दे दोगे तो 10 घंटा बोल दूंगा, बात विषय वो नहीं है। हाँ ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। जहां तक लकीर की बात है कि लकीर मेरे पास कोई लकीर नहीं है भाई, मेरे पास काम है, मेरे पास राजकुमार सिंह है, मेरे पास श्वेता शर्मा है, मेरे पास आप सब है, मुझे क्यों कोई चाहिए भाई, मुझे कोई नहीं चाहिए। आप जैसे जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, ना ही मैं किसी की बदौलत यहां तक आया हूं और ना ही किसी की बदौलत मैं आगे भी जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं मेहनत करूं, लोगों का प्यार पाऊं, आप सबका आशीर्वाद पाऊं, मैं जितने भी यूट्यूबर भाई, मेरे कहने का मतलब कि अभी का कलाकार हूं ना मैं, भोजपुरी का ही हूं ना, आप अगर यूट्यूब पे खेसारी के लिए गंदा बोलते हो
तो सिर्फ ये सारे अलावा भोजपुरी के लोग थोड़ी सुनते हैं, उसको दादर कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। तो आप अपने घर के बेटे को खुद ही परिचित कर रहे हैं, कह रहे हो कि भोजपुरी को हमने पास कर दिया, गलत आप बोलते और यूट्यूबर को पूरी दुनिया को बताते हो कि मैं रॉन्ग, खेसारी लाल रॉन्ग, फलाना लाल रॉन्ग, तो ये रॉन्ग तो नहीं। आप अपना बात रखिए, बट उसमें तरीका लगना चाहिए कि आप किसी के सम्मान में ही अजीब बताई कि क्योंकि गाली देते करते बेजत कर यही ना, कोई जरूरी नहीं। आप अपना प्यार जुटाइए, आपके मेरे बारे में मैं गलत करता हूं, आप मेरे बारे में गलत पढ़िए, मैं आपको मना नहीं करने चाहूंगा, बट उसमें सम्मान जरूर दीजिए ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। चुमा लेवा जा रहा तो मेहरा तो चुमा मार्केट में लेबो, मेरे कहने का मतलब चुमा लेह जला को पैदा कर जाए करोड़ बसुर होती गो मार्केट में वो बोलने वाली चीज नहीं है, उसमें सम्मान है। अगर हमारी बीवी हमारे साथ मार्केट में चलती है तो मेरी बीवी हो सकती है, बट मैं उसको सम्मान एक बहन की तरह ही दूंगा क्योंकि वो मार्केट में तो बहुत जरूरी है। किसी को सम्मान दीजिए, आपको क्यों कोई बोलेगा, बस यही विषय है, बाकी कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये देखिए, हम सिर्फ सीनियर सीनियर लोग हैं भाई, हमारे शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने जिनके रास्ते पे हम चलते हैं भाई। हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि संसद भवन बना देंगे, पहले हम भोजपुरी को बड़ा करते हैं, उसके बाद दुनिया में जो खींचना हो खींच देंगे, पहले अपनी भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दें, भाषा को गरीब गरिमा पे बैठा दे, भाषा को बड़े लेवल पे ले जाए। आज ये भोजपुरी के लिए करोड़ों रुपया नहीं, मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे, इनका क्या लेना देना है, इनका बिजनेस जरूर है लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि ये भी यूपी से हैं और इनको भी चाहिए कि हमारा भोजपुरी बड़ा हो जाए, तभी 200 करोड़ रुपये 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपये लगाते हैं भोजपुरी कलाकारों के। अच्छा लोगों को बोलते हैं कि भाई तू बना, तू अच्छा कर, ये कर, नहीं तो हमारे पास क्या औकात थी, किसान को नहीं जानते आप सर मतलब बड़ा में तब बनता है जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले मोहम्मद रफी है और वो हमारे से घूमा कर सर और कहता सर कि ना ना भाई कारा ईश्वर के धरती का पहले नहीं था भाई, डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया, विषय वो है ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप करो अपनी तारीफ कराओ करो, बट उसमें किसी का नाम जोड़ कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर में बढ़िया बताने की फाड़ दे चीर दे क्योंकि कौन दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फलाना करेगा फाड़ दे, अब तू फलाना तो फाड़ो तो फलाना बैठक थोड़ी रहा तो फाड़े खाती वो फाड़े खाती तो हथियार लेकर निकल रहा, इससे वो होता है क्या किसी को भाई, मैं किसी को बना नहीं करता और जहां तक बोलने की सवाल है भाई हमारा सीधे तो भोजपुरी में कहीं बोली ना, क्योंकि हमको बोलने आता है, हम पढ़े नहीं है लड़े हैं समय से, हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं फ्लाइट से नहीं गए, तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है, तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह बुरी बने, इनसे बुरी पूछिए और राम है या कम से कम 50 करोड़ भंसी रख ले पड़े, विषय वो नहीं है। आज भी लेकिन तबेला पे जाता हूं तो ओरिजिनल दूध मिलता है हमको, विषय वो नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं होता है, बस मेहनत होना चाहिए। ये आदमी मेहनत करके इनको भी पता है अपनी औकात, मुझे भी पता है अपनी औकात, लेकिन आज आप लोग का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है मुझे भी और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो, बस इससे ज्यादा कुछ क्या कहूं मैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते हो, प्लीज आप किसी को भी बोलिए, अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो, उसको सम्मान दो। आप सम्मान दोगे ना तो आदमी को कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा। हाँ, गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई, वो दे रहा है ना। तो मैं सब अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूं कि आप किसी को भी अगर सम्मान दो या कुछ कहो प्रतिक्रिया दो तो उसको
गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज, क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो, किसी कलाकार को दे रहे हो तो फिर खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी। तो प्लीज आप लोग अपने शब्द का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए, तो शायद हम भी बच जाएंगे, हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है, अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ कुछ रील बना ले। श्वेता जी शाह तो बात थी अभी तार सवाल तबाही बता। हाँ अरे हम देखिए बात वहां नहीं है, हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना, कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा, उनके बुलाने पे नहीं जाऊंगा। नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिल ले जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, धरती जब तक रहेगी, खेसारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताएं हमारे बेटा आगे उनके बढ़िया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा तो भोगी के बबड़े लो बेटा तो बोल के निकल जाए, लेकिन रिला जी है बाप जी भाई आपके बच्चे बिगड़े हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बाकी कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई के हैं और कमाल के सिंगर हैं, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, अपनी भोजपुरी सम्मान करती है, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई। ये उनका विषय है, उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ था और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है जो मेरे राज्य। अब हमारे बाबू जी हमारा नाम ना लिए तो हम ना ले हमारी जगह। अच्छा सुनो सुनो बताओ तनी सुनो बात ही नहीं थे खेसारी लाल आठ साल पहले गा दे आज अगर पत्थर पर भी जाने ला तो ढोल में बदला है कि ना बदला है सब लोग। अच्छा बात है कि भोजपुरी भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे क्षेत्र में काम करते। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हर पर भी राजा जी को प्रमोशन कर पड़े आवत रही, हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और जिससे मैं भी बोलिए सम्मानजनक बातों को चयन करके बोलिए ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच। तेरी चाहत पार सरहद कर दी, तहत कर दी हे रे तहत कर दी, कभी तो वो थाना को ना भी कर दी। आई एम नो जर्नेटर, हमारा लगे कौन पावर नहीं के तहरा लोग देहल आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हम हमारा पावर से तो हमारा बोला फना जो रहता गया तो कहे के बात था, उसका मुहावरा मत लगे घंटा मुहावरा बा, आज से पावर मत कर मुहावरा करेगा। हेलो आप सबको हार्दिक बधाई।